क्या आप जानते हैं जो आपके हाथ में अंगूठा है, इससे आप आदमी कैसा है, उसका मिजाज, उसका स्वभाव, ये सब जान सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें बताता है आपका ये अंगूठा। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी, राधे राधे, मेरा नाम है मेघा। आप वीडियो में आखिर तक बने रहें, बहुत इंटरेस्टिंग अमेजिंग होने वाली है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि आप भी ऐसा ही करते हैं क्या, आपका भी स्वभाव ऐसा ही है। जिस तरह से आप ज्योतिष के जरिए किसी भी इंसान की कुंडली में स्थित नवग्रहों की स्थिति को देख कर उसके भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जान सकते हैं, ठीक वैसे ही सामुद्रिक शास्त्र है। इसकी मदद से आप शरीर के किसी भी अंग से इंसान के गुण, अवगुण, कमजोरी, ताकत सब कुछ जान सकते हैं। सामुदायिक शास्त्र में किसी भी व्यक्ति के अंगूठे की शेप को देखकर वो राज भी जान सकते हैं जो वो किसी को बताना नहीं चाहता। चलिए आज आपको ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि जो आपका अंगूठा है, इससे आप लोगों का IQ लेवल भी जान सकते हैं। चलिए पहले बात कर लेते हैं कैसे होते हैं वो लोग जिनके अंगूठे सीधे होते हैं। जिन लोगों का अंगूठा एकदम सीधा और टाइट होता है, वो आगे या पीछे की तरफ बिल्कुल भी झुका हुआ नहीं होता। ऐसे लोग अक्सर बहुत जिद्दी और हठी होते हैं। ये किसी काम को अगर ठान लेते हैं तो उसे करके ही दम लेते हैं, चाहे फिर उस काम को करने में कितनी ही मुश्किलें क्यों नहीं आए। और हमेशा सबसे ज़्यादा खुद को प्रायोरिटी देते हैं और कोशिश करते हैं कि दूसरे हमारी बात माने, यानी थोड़े डोमिनेट किस्म के ये लोग होते हैं। बात कर लेते हैं जिनका अंगूठा मोटा होता है। तो सामुद्रिक शास्त्र में ऐसे लोगों को जल्दबाज कहा गया है। जिनका अंगूठा मोटा होता है, वो अपने काम को जल्दबाजी में करना पसंद करते हैं। उनकी अपेक्षा रहती है कि उनके साथ वाला व्यक्ति भी अपना काम स्पीड से करे। ऐसे लोग अक्सर जो धीमी गति से काम करते हैं, उनके साथ उनकी पटरी नहीं खाती। और जिनका पतला अंगूठा होता है, वो बहुत ज़्यादा खर्चीले होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि पतले अंगूठे वाले लोग स्वभाव से बहुत सीधे होते हैं और बहुत ज़्यादा खर्च भी कर देते हैं। ऐसे लोग खर्च करते समय अपनी जेब भी नहीं देखते। थोड़े से तुनक मिजाजी होते हैं। बहुत जल्दी जल्दी ये पिनक जाते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा भी कर लेते हैं। बहुत सीधे होते हैं जिनका अंगूठा आगे की तरफ थोड़ा सा झुका हुआ होता है। जिन लोगों का अंगूठा एकदम सीधा करने पर भी आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाता है, वो लोग बेहद सरल स्वभाव के होते हैं। किसी भी कठिन परिस्थिति में वो खुद को ढाल लेते हैं, यानी वो पानी की तरह होते हैं। जिस तरह से पानी किसी भी चीज़ में जाकर ठीक उसके जैसा हो जाता है, ये लोग भी वैसे ही होते हैं। ऐसे लोग जिनका अंगूठे का ऊपरी हिस्सा निचले हिस्से के मुकाबले काफ़ी बड़ा होता है, वो लोग बहुत परिश्रमी होते हैं। अपने काम को बड़ी लगन और मेहनत से करना पसंद करते हैं। अक्सर ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से अपने काम को करते हैं। ऐसे लोगों का समाज में खूब मान सम्मान भी होता है। अब बात कर लेते हैं ऐसे लोगों की जिनके अंगूठे का जो ये पहला पोर होता है, वो थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे लोग बेहद भोले होते हैं और ऐसे लोग अक्सर दूसरों के छलावे में आ जाते हैं। ऐसे लोग खुद भले ही ठग जाते हैं, लेकिन ये कभी दूसरों की मजबूरियों का फ़ायदा नहीं उठाते, ना ही उन्हें ये लोग कोई नुकसान पहुँचाते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताएं आपका अंगूठा इनमें से किस कैटेगरी में आता है। ये जानकारी आप तक विभिन्न आलेखों द्वारा पहुंचाई गई है। वीडियो में बताई गई बातों की सत्यता की पुष्टि वैदिक टीवी नहीं करता। राधे राधे।